हे एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो गाइस, आज निकली है बहुत ही अच्छी धूप, तो धूप को हम लोग इंजॉय कर रहे हैं। यहाँ पे छनछन भी है और अभी हम जस्ट नाश्ता भी करेंगे धूप में ही। और नाश्ते में मैंने बनाया था सूजी और आलू का चीला और मूँगफली की चटनी, तो मैं आप लोगों को दिखाऊँगी कि मैंने बनाया है। और लंच में क्या बनाऊँगी वो भी शेयर करूँगी। तो आज मैं नहलाऊँगी छनछन को, धूप निकली है तो आज पक्का नहलाऊंगी इसको। और अभी जस्ट हमने फिनिश मतलब किया है इसको, दूध उध पिला दिया है और इसको छत पे लेके आए हैं। तो अभी धूप निकली है और काफ़ी कपड़े धुले थे, वो सब सूख रहे हैं। और हम लोग छत पे ही बैठ के भी ब्रेकफास्ट कर लेंगे। अथर्व का पेपर है 12 बजे, तो बस अब यही है, आज इसको नहलाया जाएगा। नहलाऊँगी मैं इसको, देखो कैसे कर रही है। आ जा आ जा आ जा, ये तो ये देखो कैसे कर रही है। तो बस अभी मिलती हूँ मैं, जब इसको नहलाऊँगी फिर मैं दिखाती हूँ कितना मुश्किल होता है इसको नहलाना। तो चलो ठीक है, मिलती हूँ अभी थोड़ी देर। तो गाइस, जैसा आपको दिख रहा है यहाँ पे, मैंने ना ब्रेकफास्ट के लिए सबसे अच्छा मुझे ये लगता है, सबसे इजी और सबसे ज़्यादा हेल्दी जो रेसिपी लगती है मुझे यही लगती है, सूजी और आलू का चीला। इस बैटर में मैंने 2 आलू मैश करके डाले हैं, मतलब बॉयल्ड आलू जो होंगे और उनको डाले हैं। और बस सूजी लिया है, दही लिया है और थोड़ी सी लाल हरी मिर्च कट करी है, इसमें नॉर्मल प्याज कट किया है और बस इसी से मैंने ये चीला बनाया है। इसके साथ ही साथ मैंने इसमें 1 पिंच सोडा डाला है जब लगे, और साथ ही साथ थोड़े से चिली फ्लेक्स मैंने ऐड किया है। तो ये गाइस, ये जो ब्रेकफास्ट के लिए ना, ये सबसे बेस्ट लगता है मुझे। और इसके साथ अगर मूंगफली की चटनी हो तो मज़ा ही आ जाता है। और ये रेसिपी जो है ना, बहुत सिंपल और बहुत इजी है और खाने में भी टेस्टी है और हेल्दी भी बहुत है। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा इसकी रेसिपी, मैंने वर्बली ही शेयर किया है आप लोगों से, तो आप लोग सुनिएगा तो बना सकते हैं इसको देख के। नाश्ता ले लिया है मेरा और अथर्व का, दोनों का एक ही साथ लिया है। यहाँ पे मैंने लिया है बादाम की चटनी, मूंगफली की चटनी, और मेरा चाय है। और हम लोग जा रहे हैं अभी ब्रेकफास्ट करने, छत पे ही बैठ के करेंगे। तो आज का ये है हमारा ब्रेकफास्ट, जो दिखने में काफ़ी टेस्टी है और खाने में भी बहुत टेस्टी है। तो चलिए फिर खाते हैं, ये देखो गाइस, मैं आ चुकी हूँ छत में और नीचे अथर्व और छनछन है, वो लोग भी आ रहे हैं। मैं अपना ब्रेकफास्ट लेके आ गई हूँ। जैसे मैं आप लोगों को शो कर रही थी, आज मैंने बनाया है सूजी और आलू का चीला और मूंगफली की चटनी, और साथ में मैंने गर्मा गर्म चाय ले रखा है। तो अथर्व आओ, तो मैं और अथर्व एक साथ ही करेंगे। और उसका पेपर भी है अभी 12 बजे से, तो इससे पहले मैं उसको नाश्ता वास्ता करा लूँ। मैं नहा धो ली हूँ अच्छे से, नहा धोने के बाद और मैं ऊपर आ चुकी हूँ। और ये छनछन ऊपर आओ, अभी ये छनछन ऊपर आ रही है, जल्दी जाओ फटाफट जाओ। ये भाग के आ गई और हमारा ये ब्रेकफास्ट आ गया। हैंड वॉश किया आपने? हम और छनछन भी आ गई है ऊपर, अभी हम इसको धूप में लेके जा रहे हैं। आ जा, देखो कैसे भागने की हो रही है इसको। चलो 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 बेबी, चलो आ जाओ, आओ आओ आओ, चलो चलो आप उधर चलो, मैं भी छा रही हूँ। तो ये देखो कैसे कर रही है ड्रामे, और हम लोग यहाँ भी बैठेंगे। दोबारा आएगी सो गाइस, अभी हमने खाना शुरू कर दिया है, अभी छनछन थोड़ा साइड में चली गई है, जैसा कि आप देख पाओगे। अभी भी हाथी खाना पड़ता है मम्मी, गुड बोल यहाँ मम्मी, मेरे को बोली थी आप खाना आपको खिलाऊंगी। चलो मैं तुम्हें लंच करता हूं, सॉरी अभी खाने के बाद ठीक है, मिलती हूं अभी वापस से। सो गाइस देखो, अभी इसकी नहाई नहाई हो रही है, इसके ऊपर मम्मी ने शैम्पू बहुत सारा डाल दिया ना, प्रोडक्ट्स नहीं लिए हैं तो भी हम अपने ही शैम्पू का डव का यूज कर, फिर भी यार डव कोई एरा गैरा शैम्पू नहीं है। फिर अभी तो मतलब इसके मतलब अथर्व के फादर आएंगे, तो फिर हम इसके लिए परचेजिंग करेंगे सामान वगैरह, इसके लिए कपड़े उपड़े। फिलहाल तो मैं इसी से इसको भी वॉश करके ला रही हूं, बढ़िया से नहाएगी मैडम क्योंकि कल। अब देखो ये देखो इसका ऐसा करना शुरू हो गया, वेट ये ऐसे जरूर करती है, हमेशा करती है नहाते वक्त, क्या सब नहाते हैं, चीची चीची करने लगती है ये। जाओ रोना नहीं है, रोते नहीं है, रो रही है। ये देखो इसका शरीर देखो गाइस, अब बस नहाने के बाद इसका तो मतलब जब ये वो हो जाती है ना, जब इसके शरीर पे वो लग जाता है शैम्पू, तो इसका शरीर देखो कितना सा। कोई नहीं कोई नहीं कोई नहीं बाबू, कोई नहीं, कहाँ जाओगी, गंदी हो जाओगी। अच्छी अच्छी इस देखो ये नहाने में ऐसे ही ड्रामा करती, अरे हाय मेरे ऊपर फेंक रिया है, ऐसे ही काम करती है, हो गया हो गया हो गया, जितना भागोगी ना उतना उतना और नहाना पड़ेगा। कहाँ देख रहे हो गाइस, इसका शरीर देखो एक बार, इसका शरीर यार कितना पतला है, हमें टांग मत पकड़ो, लग रहा होगा उसको। सो गाइस इसको नहलाना, हो गया गंदी बनके रहोगी क्या गाइस, देखो इसको ऐसा ही होता है, इसको नहलाना आपने, ये देखो गाइस कैसी हो गई है, इसको नहलाना अपने आपने महाभारत समझ लो, इसको मम्मी बाल्टी में फेंक दो।
गाइस अभी मैं कर रहा हूँ थोड़ा सा। तो गाइज़ जैसा कि आपको दिख रहा है यहाँ पे ना मेरी जो छनछन है वो नहा चुकी है और इसको मैंने इसके टॉवल में जो है ना रैप कर दिया है, अच्छे से इसको पोंछ रही हूँ, सुखा रही हूँ इसके बालों को ताकि इसको ठंड ना लगे। और देखो नहाने के बाद ये कैसी हो जाती है बिल्कुल। और नहलाना बहुत ज़रूरी है। अभी मैंने इसके लिए मैंने ऑलरेडी बताया है, इसके लिए जो शैम्पू वगैरह है ना हमने परचेज़ नहीं किया है, बाकी इसको अभी ख़रीदेंगे हम सब कुछ इसके लिए। बाकी जो भी चीज़ें हैं मैं उसी से भी उसी को यूज़ कर रहे हैं। थोड़ा सा इसको प्यार करूंगी और देखो उसको अपनी गोद में लेके बैठूंगी। यहाँ पे अथर जो है ना इसको कॉम कर रहा है और यहाँ पे मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ यार, क्योंकि ना मैं छत पे थी तो काफ़ी सारी आवाज़ आ रही थी, इस वजह से मैंने यहाँ पे वॉइस ओवर किया हुआ है। तो ये इसकी कॉम है, इसको कॉम करके और फिर मैं नीचे जाऊँगी, नीचे जाके मैं बनाऊँगी लंच और ये थोड़ी देर इसको छत में ही छोड़ देंगे ताकि इसके जो बाल है ना वो सूख जाए। और देखो कितनी प्यारी लग रही है, कितनी क्यूट लग रही है, बहुत ही प्यारी है ये, बहुत सुंदर है। तो अभी इसको कॉम करके बस यही छोड़ दूंगी मैं। तो यहाँ मैं कर रही हूँ अपने लंच की प्रिपरेशन, जिसमें मैं बना रही हूँ कढ़ी चावल और सिंपल तरीके से कढ़ी चावल बना रही हूँ। और बस लंच हम 2:30 बजे के करीब करेंगे क्योंकि लेट किया है हमने ब्रेकफास्ट। तो बस यही था आज का रूटीन मेरा। और कढ़ी मैंने शेयर नहीं की है, कुछ खास होता तो मैं शेयर करती। कढ़ी तो सभी बनाते हैं, नॉर्मल सी कढ़ी बनाई है, इवन मैंने उसमें कहते हैं ना पकौड़े भी नहीं डाले हैं, सिंपल सी कढ़ी, क्योंकि पकौड़े अथर को भी नहीं पसंद है, मतलब कढ़ी में डाले हुए हैं और मुझे भी उतना पसंद नहीं है, तो मुझे सिंपल सी कढ़ी अच्छी लगती है। बाकी इसके साथ मैंने सूखी सब्जी बनाई है और चावल बनाए हैं। तो हमारा हो गया आज लंच का इंतजाम और ब्रेकफास्ट हमने बहुत अच्छा किया हुआ था और कढ़ी भी अथर को अच्छी लगती है, तो आज मैंने यही बना लिया है। एक तरफ कढ़ी बन रही है, दूसरी तरफ बन रही है मेरी मतलब चावल रखूँगी मैं, बस हो गया। और तो बस यही कहना चाहूँगी कि आज का मेरा डेली रूटीन का व्लॉग यही था कि क्या किया मैंने आज, और मैंने आप लोगों के साथ शेयर ही किया है तो लास्ट ज़्यादा कहने की ज़रूरत नहीं है। तो आप बताइएगा लास्ट में जो मैं बोलती हूँ कि आपका मेरा आपको मेरा व्लॉग कैसा लगा। अगर व्लॉग अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। तब तक के लिए बाय बाय।